आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। व्हाइट हाउस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन को युद्ध को लेकर सीधी चेतावनी दे डाली। व्हाइट हाउस के बयान से यह साफ है कि चीन को रोकने के लिए किसी ऐसे सीक्रेट प्लान को तैयार किया गया है जिसका तोड़ चाइना के पास तो फिलहाल नहीं है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के एक के बाद एक विनाशकारी हथियारों की तैनाती के बाद भी चाइना का सैन्य अभ्यास जारी है। इस बात को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच तनाव चरम पर है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन में ऐसा क्या खुफिया प्लान बनाया है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर की दस्तक ही आहट सुनाई देने लगी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पहले काल की तरह समंदर की लहरों पर तैरने वाली रीगन और निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर दुनिया की सबसे विनाशकारी न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 की तैनाती। इन दोनों बड़े एक्शन के बाद अब व्हाइट हाउस में बैठकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के टोटल विनाश का खाका तैयार कर लिया है। साउथ चाइना सी में दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देश अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। समंदर में एक से एक हथियारों का प्रदर्शन जारी है। सैन्य अभ्यास के जरिए दोनों देश अपनी ताकत की नुमाइश करने में लगे हैं। जिद्दी जिनपिंग हो या बेबाक ट्रंप, दोनों में से कोई भी देश के राष्ट्रपति एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं दिख रहे। दोनों देश की सेनाओं के युद्धाभ्यास के बीच जुबानी जंग भी जारी है जिससे अब तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो प्लान तैयार किया है उसकी झलक भर से चीन के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप के मिशन ड्रैगन का असर केवल चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन को उसके औकात दिखाने के लिए पेंटागन से जो आदेश जारी होने वाले हैं वो चीन पर भारी पड़ेंगे, भारी तबाही लेकर आएंगे। अमेरिका का एक्शन प्लान अभी पूरी तरह से खुफिया है और यही वजह है कि जिनपिंग की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर शुरू हुआ विवाद चीन और अमेरिका के दुश्मनी की नई इबारत लिख रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने मीडिया से कहा, हम अभी आपसे चीन को लेकर बनाए गए प्लान साझा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। चीन को रोकने के लिए हमारे कार्रवाई के बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन अमेरिका आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है जिसे व्हाइट हाउस अब दुनिया को बताना नहीं चाहता? ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका का सबसे बड़ा किलर B-52 साउथ चाइना सी पर मंडरा रहा है। चीन इस विनाशकारी न्यूक्लियर बॉम्बर की ताकत को भी जानता है। चीन जानता है कि उसकी एक चूक चंद घंटों के अंदर उसकी राजधानी तक को तबाह कर सकती है। चीन अगर अमेरिका से पंगा लेता रहा तो अमेरिका एक्शन लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। चीन को भलीभांति मालूम है कि उसकी ताकत अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकती। अमेरिका अगर अपने पर उतर आया तो चीन पर कहां कहां से और कितने बम बरसाएगा ये चीन के लिए समझ पाना भी मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका चीन की धमकी से डरने वाला नहीं है, ना ही अमेरिका चीन से डर कर पीछे हटने वाला है, और इस बात को चीन बहुत अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका की सांसद भी इस लड़ाई में ट्रंप के साथ खड़ी है। अमेरिका के एक कांग्रेसमैन ने ट्वीट करके लिखा है, अमेरिका को चीन के खिलाफ और कड़े कदम उठाने चाहिए। देश को याद रखना होगा कि चीन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दिमाग में क्या चलता है उसे बता पाना भी मुश्किल है। लेकिन चीन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने जिनपिंग का पूरा ब्रेन मैपिंग कर लिया है और इसी के आधार पर
चीन के बर्बादी का अंतिम प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान को अमेरिका ने अब तक डिकोड नहीं किया, लेकिन प्लानिंग की सुगबुगाहट भर से चीन के छाती पर सांप लोटने लगा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री का कहना है, चीन अमेरिका की दोस्ती दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय रिश्ते के तौर पर देखा जाता है। चीन को उम्मीद है अमेरिका जो भी कदम उठाएगा सोच समझ कर उठाएगा। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन में अमेरिका के सांसद भी अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ी हैं। चीन अमेरिका विवाद अब पानी में और खतरनाक होता जा रहा है। सैन्य मामले में दो बड़े आर्थिक शक्ति की जिद विश्व युद्ध की आहट भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि ड्रैगन हर मोर्चे पर घिरता दिख रहा है। अमेरिका चीन में कई मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है। चीन और अमेरिका में आपस की जो तनातनी है उसके पीछे की मुख्य वजह है कि दोनों ही चाहते हैं दुनिया में अपनी धौंस जमाना। आर्थिक मोर्चे पर भी वो महाशक्ति बनाने की फिराक में अपने आप को हमेशा ही रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जहां एक तरफ ट्रेड वॉर है उसके साथ साथ कोरोना वायरस, हांगकांग को लेकर नया सुरक्षा कानून और साथ में साउथ चाइना सी पर अपना प्रभाव जमाना, ये भी एक कारण है। इसके साथ ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान, इसको लेकर जो चीन का रुख है अमेरिका को ये भी नागवार गुजर रहा। इसके साथ साथ अमेरिका इस वक्त सीधे तौर पर चीन पर लगातार हमलावर है। आगे दोनों देशों के बीच होड़ इसी बात की है कि कौन दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका ने भी अपने सबसे विनाशकारी जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन की सीमा पर खड़ा कर दिया है। चीन और अमेरिका का विवाद विश्व युद्ध की आहट भी हो सकती है। दोनों देश अगर बातचीत से समस्या का हल नहीं निकालते हैं तो दोनों देशों की जिद दुनिया पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल चीन की चालबाजियों ने चीन की ही चिंताएं बढ़ा दी हैं और इसीलिए अमेरिका ने एक ऐसा अनोखा हथियार तैयार किया है जो ना तो दिखाई देगा और ना ही पता चलेगा। दिखाई देगी तो सिर्फ तबाही, तबाही का मंजर। अमेरिकी नेवी का दावा है कि इस अनोखे हथियार से दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कि क्या कुछ खास है इस अनोखे हथियार में। ना कुछ दिखेगा ना कुछ महसूस होगा, बस एक ही पल में बर्बाद हो जाएगा टारगेट। चीनी हसरतों को समंदर में दफन करने के लिए अमेरिका ने बना लिया है सबसे खतरनाक और अनोखा हथियार। वो हथियार जो दिखाई नहीं देता, बस दुश्मन को बर्बाद करता है, जिसकी चाल, जिसका रूप, जिसका हमला नजर भी नहीं आता। दिखती है तो बस वो तबाही जो वो हथियार मचाता है। चीन और रूस के साथ साथ ईरान की नौसेना से मिलती चुनौती का जवाब देने के लिए अमेरिकी नेवी इस अनोखे हथियार को तैयार कर चुकी है। अमेरिकी नेवी ने अपनी जंगी बेड़े को और ज्यादा एडवांस और हाईटेक बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। नेवी ने 2023 तक लेजर डिफेंस सिस्टम से लैस 7 और युद्धपोत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा एक का टेस्ट मई में किया जा चुका है।
इन हथियारों के दम पर अमेरिका की नेवी वॉरशिप अपने टारगेट को हवा में ही मारने की ताकत हासिल कर सकती है। इसमें खास बात यह है कि ये एक हाई एनर्जी लेजर हथियार है। लेजर रेंज आंखों को दिखाई नहीं देती, सीधे असर करती है। अमेरिकी नेवी के नेवल रिसर्च ऑफिस में सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट फ्रैंक पीटरकिन के मुताबिक नेवी ऑप्टिकल डेजलिंग इंडिकेटर नेवी लेजर डिफेंस सिस्टम को अगले 3 साल में अलग अलग युद्ध पोतों में लगाने का प्लान बना चुकी है। ओडीआईएन का इस्तेमाल हवा में किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए किया जाएगा। ये खतरनाक हथियार दुश्मन के ड्रोन को भी हवा में ही खाक कर देगा। पीटरकिन का कहना है कि ओडियन को फ्लाइट 2 एयरबर्ग क्लास युद्धपोत जैसे डीवे, सैन एंटोनियो क्लास ट्रांसपोर्ट डॉक और लिटोरल जंगी जहाजों पर लगाया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लेजर लगाए जाने की चर्चा जारी है। ईरान की मिलिट्री मानव रहित एयरक्राफ्ट की मदद से अमेरिका के नौसैनिक बेड़ों के नजदीक आकर रेकी कर चुकी है और खतरनाक एंटी शिप मिसाइलें भी रखती है। वहीं पैसिफिक में चीन के पास लंबी रेंज की एंटी शिप मिसाइलें हैं, जिनसे अमेरिका के बेड़े को बड़ा खतरा है। हालांकि इसी फरवरी के महीने में जब चीन ने गुआम के 380 मील पश्चिम की ओर अमेरिकी क्राफ्ट को निशाना बनाया था, तो अमेरिका ने इसका विरोध किया और ऐसी तकनीकी को ना अपनाने की पूरी दुनिया को हिदायत दी थी। लेकिन अब अमेरिका ने चीन और ईरान के इरादों को खाक में मिलाने के लिए ये घातक हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कुछ इस तरीके से अमेरिका ने चीन की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखनी तैयार कर दी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।